हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम भी बढ़िया हैं। आशा उम्मीद करती हूँ आप भी मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 8 बजे से हो रही है और मैं जा रही हूँ गाय के साथ। तो आज तो बैल नहीं ले जा रही क्योंकि सासू के मौक, क्योंकि दादा चले गए हैं, मेरे ससुर जी चले गए हैं उनके साथ, ऊपर ले गए ढोंडा रोड। तो मैं मतलब लोग तो चले गए, मैं बच्ची को ले जा रही हूँ सिर्फ, क्योंकि घर में भी क्या करना आज करना। कल परसों बहुत काम था, आजकल बोल रहे हैं हम कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। तो मैंने सोचा कि उन्हें गार्ड में टाइम पास हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा घास भी ला लेती हूँ और बच्ची को चरा के भी लाती हूँ। तो ये है हमारा बच्चू, और हमारे सिर्फ एक बच्ची है और एक मतलब भैंस का बच्चा है थोड़ी बहुत जिसको। तो यही दोनों हैं, लोग हमें बोल रहे हैं कि 2 आदमी हो 3 आदमी हो के एक गाय नहीं ला पा रहे हो। तो मेरे सासू जी ना कितने रेवार आ गए हमको गाय के। तो मेरे सासू जी क्या बोल रहे हैं कि दूध भी खूब होना चाहिए और पैसे भी कम हो और गाय भी छोटी हो, तो कौन देगा भाई ऐसा कि दूध बहुत हो उस पर, मतलब दो तीन माणी पता नहीं क्या बोलते हैं, और पैसे भी कम लगे और छोटा भी हो, तो ऐसा गाय कहाँ मिल सकती है। तो गाय नहीं मिल रही है, गाय तो बहुत मिल रहे हैं पर सासू जी ला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सासू जी पता नहीं कैसे पसंद कर रहे हैं उनको, बोल छोटा चाहिए तो छोटा कहाँ से आएगा। तो चलो आप गाय गाड़ में जाते हैं। तो आपको मैंने इस खुशखबरी भी नहीं सुनाई, क्योंकि मतलब आप तो हो गए होंगे 4-5 दिन हो गए होंगे मेरी ननद को, मेरी कई सासू जी की लड़की को, जो हमारी ननद जी है पौड़ी में रहती है। वैसे उनका ससुराल झुंडे ही में है और रहती हूँ पौड़ी में, क्योंकि उनका दुकान है पौड़ी में, और उसका लगभग मतलब 5-6 साल हो गए होंगे, 6-7 साल हो गए होंगे शादी को। तो उसकी लड़की और की है, तो फिर से मामी बन चुकी हूँ मैं, तो लड़की और की उसकी। तो मैंने आपको बताया भी नहीं क्योंकि ध्यान भी नहीं रहा। और चलो चलते हैं गाड़ में, मिलती आपको, लोग सब चले गए हैं। तो आज ना धूप भी बहुत हल्की हल्की है, धूप भी नहीं है क्या, मौसम बहुत चेंज हो रखा, बारिश भी नहीं आ रही है 3-4 दिन से, देख सकते हो आप। इसकी मम्मी भी पहुँच गई है। हाय गर्ल लड़ी, कौन बैठ गए? अरे जी हाय हाय, कमीज बहुत अच्छी कमीज को लिया पता क्यों होना पैट होना नहीं हो तब फट रहा है। तो सासू जी के बकरे आ रखे हैं यहाँ, ये मियामुन है कमीज ना यार, बहुत दुखी की बात है इनके ना, भूख बाघ ने खा दिया किनका, इनका नहीं बोला यूं यार यूं ने खा पर से वो तो खा दिया था, वैसे भी वो 10,000 में गया, तो गया नहीं 10,000 में गए हमें पूरे 10,000, ठीक है, खाए भी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मीट मस्त तुम्हारे चबा हुए, मीट तो इतने बड़े बड़े टुकड़े थे उसके, तो देखा तो चलो चला दे गाय, मिलते हैं आपको। मेरे 10 साल लड़ चुके, 5-10 साल तो जोरदार भी लड़ी फिर हमने, आज मेरा हार्ट अटैक नहीं होना ये घर जा, उनको हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, सच में ये मुकाम है पीड़ा मुझे भगवान दिखा है, दिल दोरा गरम कर ना तकना गुनो देखो कितना सारा चोर हो रखा है, ये देखो मन तो कौन जी खूब दादा भी पहुंच गए। कौन छा तुम दादा, कौन देर दो ना तुम, कौन छा दादा भी आ गए दिवस से घर मुस्मान नगर वाला सीधा घर तक ए माय से मां को ले जाना। चलो जाते हैं घास काटने, इधर देखो कैसे हो रखा है यहाँ। तो दादा उनके सामने ना वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि पहली बोला ना मैंने, तो वो भी कंफ्यूज हो रही है, वो क्या कर रहे हैं ऐसा। तो चलो यहाँ पे मैंने घास का गोडोला भी गाड़ दिया, ए बोई 3 फूल हैं भले है, ये टिची है सिरंडो सिरंडो है तो बहुत है, ये घास भी नहीं और खाए भी, क्योंकि बिना बारिश के। तो धूप देखिए, धूप लग गई है और प्यास भी लग गई है, लोगों को पानी पीने। तो गाइस यहाँ पे भर रही हूँ मैं पानी, इधर देखो पत्ते पे, तो यहाँ पे बोतल को भर रही हूँ मैं, और कैसे बैठ गई हूँ तो ये देखो यहाँ से निकल रहा है, ज़मीन से पानी निकल रहा है, तो वो
बोतल भरने में बहुत टाइम लग रहा मुझे, ऐसे इतना ही भर दूंगी मैं। तो यहाँ पे बोतल भर दिया, एकदम स्वस्थ पानी आ रहा है। तो हमारे बछड़ा और गाय क्यों भाग रहे हैं, तो आधा गाय ऊपर है और हमारे यहाँ पे हैं। तो चलो, धूप भी भयंकर वाली लग गई है, टाइम भी 10 बज गए हैं, करेक्ट 10 हो रहे हैं, तो 11 बजे तक घर चले जाएंगे। तो चलो पीते हैं ठंडा ठंडा पानी, बर्फ़ से भी ठंडा है ये। यहाँ पे टाइम हो गया घर जाने की, गाय बैठ घर ले जाने की। तो यहाँ पे देखिए इनको भी धूप हो गई है, तो आधा गाय है आधा आगे चले गए हैं बैल। तो यहाँ पे दादा लोग भी आ गए हैं। तो चलो घर की तरफ, और मेरा घास को भी धूप हो गई, सूख रहा है घास। तो चलो यहाँ पे देखो कितनी भयंकर लड़ाई तीनों की। यहाँ पे घर पहुँच गए 11 बजे के हैं। यहाँ पे मेरी बूढ़ी से मिली है, बट हाय कर, हाय हाय क्या बन बूढ़ी ना, बूढ़ी के कुछ ही दिन रह गए हैं आप ना, आप जानते हो मैं बता जब से लास्ट दिन ला दिखाना, क्योंकि मेरी बूढ़ी के ना पैर भी कितने मोटे मोटे सूज गए हैं। इधर देखिए, दिखाई इधर देखो, पैर भी सूज गए हैं, क्या करें। अब जान से मेरी बूढ़ी भी तमें भगवान से सही है, बस बूढ़ी थे रोने था फूल मजे रहे हैं, तो ठीक हो जावन में डालो वो वही था जावन मोन ने ये खाना देना और फूल डाला कि नहीं ना। अब ये तो जाना मोन ने बने मोन ने चल पर अब पता हूँ तो कम था तो कम तो मेरी बूढ़ी यहाँ पे होगी ना कुछ नहीं। तो चलो खाना बनाते हैं, अब बूढ़ी डाली हमने जरा ठंड पानी ना, ठंड पानी हाँ ठंड पानी पिला, इनमें जरा हवा नहीं तब बूढ़ी हवा खानी। बज गए शाम के और मैं भी उठ रही हूँ, तो कपड़े तो यहाँ पे मम्मी ने सामान दे रखा है इसकी नानी ने, तो इसमें हरी मिर्च हमारे घर के मिर्च इधर देखिए। तो और यहाँ पे ना प्याज दे रखे हैं, घर के प्याज होते हैं हमारे, पर इस बार ना पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं हो रखे हैं, गुलू की ना गुलू गिर चुकी है। तो प्याज देखिए, इससे भी बड़े बड़े प्याज होते थे पहले हमारे, तो मेरी मम्मी ने प्याज हाँ और लहसुन दे रखे, लहसुन देखिए लहसुन भी कितना महंगा हो रखा है आपको पता ही होगा। और लहसुन और क्या दे रखा है, और एक दूध का डब्बा और सब्जी भी दे रखी है, मतलब पैसे दिए थे लौकी ला रखी है उन्होंने, लौकी दे रखी है, लौकी है और इनके लिए कुरकुरा और बिस्किट है। तो चलो मेरा कपड़ों की तैयारी करती हूँ, खबर संभालती हूँ उसके बाद मिलते आप। तो गाइस टाइम 5 बज रहे हैं शाम के, तो मैं जा रही हूँ खेतों में, तो धूप देख सकते हो आप कितनी भयंकर वाली धूप हो रखी है अभी। तो आप 3-4 महीने एक हफ्ते से आप बारिश ही नहीं हो रही है, पहले बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, अब आ ही नहीं रही है, पता नहीं किसका दाग लग रहा है इस पे। तो मैं जा रही हूँ खेतों में, खेतों का काम तो हो गया है पूरा, पर जो लगाया हुआ कोदा है ना, मतलब एक तरफ से लगा के आ रहे हैं हम नीचे को दूध, फिर नीचे को मतलब पूरा हो रहा, फिर ऊपर से गुड़ाई हो रही है, फिर जो लगाया हुआ कोदा था ना उसमें झाड़ आ गए है, खड़ बोलते हैं जिसको, तो उसको निकालने जा रही हूँ मैं, और मेरे जेठन जी भी आ रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं लगाया हुआ कोदा कैसा रखे हैं, तो मिलते हैं आपको खेत में। और मौसम देखिए, तभी धूप हो रही है उसी टाइम बारिश की संभावना भी हो रही है कहीं कहीं, आ भी जाती तो। तो गाइस यहाँ पे मैं ना खेत से घर आई हूँ, और जब घर आ गई ना तब याद आ रही कि खेत में वीडियो भी बनानी थी, तो मैं भूल ही गई क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कम है। जैसे मैं खेत में गई कॉल आ गई थी, और मैं बात करने पर देवर जी का कॉल आया था राहुल का, तो उसके साथ बात कर रही थी, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ आरो, तो बस क्या आरो बोलते हैं इनको, ये भी पक चुके हैं। तो ऊपर गई थी मैं, इन्होंने देखो मुझे पानी पिलाने के लिए बुला रहे हैं, तो मैं नीचे की रास्ते जा रही हूँ। चलो
धूप भी डूबने वाला है। बिल्ली पी रही है दूध। यहाँ पर रखी है सब्जी, आगे नहीं जल रही है सब्जी में, लौकी की सब्जी और आटा मैंने लगा दिया है। तो ये देखो अंधेरा अंधेरा हो रखा है घर। तो चलो बनाते हैं रोटी, आग मुझ गई मेरी। बाघ, दो बाघ आ रहे हैं। हम अब बनाना तिल बनाई ने है, रेड बनाई ने यहाँ पे। टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं और हमारा खाने की तैयारी हो गई है। तो मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे ना सेमिया भी बना रखी हमने, क्योंकि मम्मी ने दिया था दूध तब मैंने सेमिया मंगा दिए थे। तो एक सासू जी जा रखे थे अपने मायके, उनका मायका ऊपर है बरसुड़ी में, तो बरसुड़ी जा रखे थे वो, तो वहाँ से मंगाया था मैंने, तो हमने बना रखी है सेमिया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और पीछे नज़र ना लगाएं। बाय बाय।